अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक 19 इंच एलईडी टीवी का पैनल है। इसमें प्रॉब्लम ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो लोगो है वो भी नहीं चल रहा और इसकी जो स्क्रीन है वो सही तरह से ब्लू भी नहीं हो रही। तो आज हमने इसका ये फॉल्ट क्लियर करना है कि इसमें ये फॉल्ट किस चीज़ की वजह से है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदसर अली खोखर और आप देख रहे हैं मी टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो इसका मुझे एक देखने में फॉल्ट नज़र आया है कि जब भी मैं इसको यहाँ से पास देता हूँ जैसे याद की, तो इसकी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये लेने आती हैं और ये भी लेने भी चले जाती हैं। तो आज हमने इसका ये फॉल्ट क्लियर करना है। ये जो इसका मुझे देखने में फॉल्ट नज़र आया है वो जो हमें फॉल्ट बना है इसमें वो सिर्फ ये जो पेच लगाया गया इसकी वजह से इसमें फॉल्ट आया है। तो अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। इसमें ये इस साइड से तो यह ग्राउंड में, ठीक है जी, ये इसका एरिया ग्राउंड में है और दूसरी साइड से मैं आपको चेक करा देता हूँ। जैसे ही इसकी मैंने साइड उल्टाई तो देखा तो इसका ये जो एरिया है वो डैमेज था। तो डैमेज ये इस तरह से था कि इसकी ये जो लाइनें हैं इसी की तरफ से जो ये जा रही हैं यहाँ पर कफ को, तो ये डैमेज हो गई थी। ये जो हमारी आईसी की तरफ से इस कफ को जा रही है ना, ये लाइनें यहाँ से हमारी डैमेज है, ठीक है जी। तो जैसे ही मैंने इसके यहाँ पर भी पास दी तो हमारी जो स्क्रीन थी वो बिल्कुल क्लियर हो जाती, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी ये जो क्रॉस, ये इसके जो पॉइंट कट गए हैं तो ये हम इसके अब लगाएंगे और आपको ये दिखा देते हैं। अब मैंने इसका ये जो एरिया डैमेज हो चुका है इसको मैं थोड़ा सा प्रेस करूंगा तो इसका जैसे कनेक्शन अटैच हो जाएगा ये फौरन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल ये ठीक हो गई है, ठीक है जी। तो अब मैं इसको ऊपर से साफ़ करूंगा और इसके कनेक्शन लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं सऊदी सलाम डाले मोर। तो आप हमारे ये एलईडी के ये वाली जो वायर आईसी की तरफ से जा रही हैं ये इसकी डैमेज है। तो अब हम इनको रिसोल्ड करते हैं और वायर लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने वायरें दो लगा दी हैं जो हमारी डैमेज थी और अब हम पैनल को ऑन करते हैं, पावर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो एलईडी टीवी पैनल है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।